नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। आइए हम लोग आज देखता हूँ दोस्तों रेडियन के बारे में। जैसे कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, होता है या नहीं होता है? नहीं। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल में दोस्तों, ये हम लोगों का जो सेशन चलेगा वो चलेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल में, ठीक है ना। मैं आज कुछ पांच क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूँ दोस्तों, वो एलजेब्रा पर है, ओनली एलजेब्रा पर। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है ना। दोनों को ऐड करते हैं तो वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कट गया दोस्तों, तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर। फाइनली जो बात होती है दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। आज का जो सेशन है दोस्त ट्रिग्नोमेट्री में यही सब फार्मूला का यूज होगा, ठीक है ना। इससे बहुत सारा फार्मूला बनता है दोस्तों, 500 टाइप का क्वेश्चन बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सब चर्चा हम लोग एलजेब्रा पे करूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए फार्मूला कैसे बनता है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू एट, देन साइन क्यूबिक थीटा प्लस कॉस क्यूबिक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर वन इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे कोसेक होगा दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर एट है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वाट। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल तरीका है, तरीका ये है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एट का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 64। तो दोस्तों ये इसका अपोजिट होता है, कट गया है। तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू इज इक्वल टू 64, वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 62। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, एक तो आपका ये हो गया दोस्त, जो कि आप ऐसे बना सकते हैं, या तो इसका अलजेब्रा कॉन्सेप्ट लगा के भी बना सकते हो। नहीं, जैसे कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स और कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय एक्स, तो दोस्तों एक्स प्लस वन बाय एक्स का जो वैल्यू है वो रूट एट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों ये होता है एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, ये फॉर्मूला होता है 64 माइनस टू इज इक्वल टू 62। ये हो गया आपका अलजेब्रा का कंसेप्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन ये हो गया।
आगे देखता हूं मैं इनको क्वेश्चन और देखिए। इसी में दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए साइन थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट सेवन है, देन ए स्क्वायर साइन थीटा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, जबकि यहां पे बोला है दोस्तों देन ए बी इज इक्वल टू फोर। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो दोस्तों एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन बनाने के लिए सॉरी यहीं पे लिख देता हूं एंड ए बी इज इक्वल टू ये नीचे लिख देता हूं एंड ए बी इज इक्वल टू फोर है। क्या है? फोर है। तो दोस्तों ये भूल गया था मैं डाटा को देने में, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, एक तो हम लोग ये जानते हैं क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा दोस्तों आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाना चाहते हैं जैसे ए साइन थीटा को मान लिया ए एक्स, ठीक है ना। अब देखिए इसका ये तो उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए, एक चीज देखिए, ऐसे नहीं इसको डायरेक्ट बना देता हूँ ए साइन थीटा प्लस बी कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट सेवन का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, ठीक है ना, टू इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेवन, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू, ये तो दोस्तों कट गया ए बी इज इक्वल टू सेवन, ठीक है ना। तो आइए, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू इंटू ए बी का वैल्यू कितना है दोस्तों? यहाँ पे मैंने लिखा क्या, ए बी का वैल्यू फोर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर इज इक्वल टू सेवन। तो दोस्तों एक चीज देखें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एट घट के माइनस वन, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आइए हम लोग एक चीज और चेक करता हूं, क्या देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया दोस्त। तीसरा क्वेश्चन चेक कीजिए, इतना लॉन्ग तो बना नहीं पाइएगा, तो डायरेक्ट अलजेब्रा कंसेप्ट लगा के तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू फाइव, देन sec स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाट। तो दोस्तों मैं इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम लोग इसको देखिए, मैं उससे चलता हूँ दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता ही नहीं होता। इसको हम लोग दो तरीका से लिख सकता हूँ दोस्तों, क्या सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन, नहीं तो दोस्तों एक चीज जानिए, इसका वैल्यू कितना है, फाइव है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका फाइव, तो इज इक्वल टू वन बाई फाइव हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या होगा बोलिए, तो इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों फाइव इंटू वन बाई फाइव, इसका वैल्यू वन होगा। नहीं कैसे होगा देख लीजिए, सीधी सी बात है दोस्तों, ऐसे नहीं तो ऐसे। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, तो इसका क्या होगा सेक थीटा प्लस माइनस सॉरी माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई फाइव होगा। अब दोनों का स्क्वायर ही तो वो ये होता है ना, होता ही नहीं होता है। अब दोनों का स्क्वायर कर देने के बाद दोस्तों तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू फाइव इंटू वन बाई फाइव। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हो गया आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसी पर लेता हूँ तब मजा आएगा ना। तो देखिए दोस्तों आपको कभी कभी पूछ देगा, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू रूट सेवन है, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वाट। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, या फिर कभी कभी ये भी पूछ सकता है इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे दोस्त, अगर ये पूछ दिया तो कैसे निकालिएगा। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर सेवन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टू इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या ये बनेगा इज इक्वल टू सेवन। चेक कर लेता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टू इंटू वन बाय कॉस थीटा इंटू, क्योंकि डाटा अधूरा रहने से नहीं बनता है, ठीक है। जो भी कुछ आएगा आंसर तो आएगा ना, और इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है दोस्त। तो हम लोग चेक किया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दोस्तों वैल्यू जो होती है ना वो डायरेक्ट आपका ये उधर चल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ना करके डायरेक्ट कीजिए ना, छोड़िए ना, ठीक है। यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू सेवन कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये उधर जाएगा, तो सेवन प्लस टू सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू
ये हो गया इसका वैल्यू दोस्तों, किसका किसका, ठीक है ना, ये आएगा आंसर, ये होगा इसका आंसर। तो दोस्तों एक चीज जान गए, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए एक क्वेश्चन इसी पर और लेता हूं मैं, ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन जो है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू रूट एट है दोस्तों, एंड sec थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू टू है, ठीक है, देन sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, किस नजरिए से देखेंगे क्वेश्चन को, आइए हम लोग थोड़ा सा चेक करता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका फोर या फाइव, फाइव नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है। तो दोस्तों sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू रूट एट दिया है, और sec थीटा इंटू tan थीटा बराबर टू दिया है, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसका फॉर्मूला आप लोग याद किए होंगे दोस्तों कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ टू sec थीटा इंटू tan थीटा, ओके, ये आप लोग याद किए होंगे। तो दोस्तों इसका वैल्यू रूट कितना है, एट का स्क्वायर प्लस टू इंटू, ठीक है ना, टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा दोस्तों एट प्लस फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस और एक लेता हूँ दोस्तों, आप लोग देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों प्लस कर दिया, ठीक है ना, और बोल दिए कि sec पर पावर फोर थीटा प्लस ये स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है ना, इज इक्वल टू फोर, और यहाँ पे हम लोग 18 कर दिया, ओके, और ये हो जाएगा फोर थीटा इज इक्वल टू वाट। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर ले लिया, थोड़ा सा डाटा आसान हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों एक चीज जान लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसको डायरेक्ट उतारिए, ठीक है ना, sec पर पावर फोर थीटा प्लस tan पर पावर फोर थीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों माइनस ऑफ टू sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू है दोस्तों रूट 18 का स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस एट, ये 10 हो गया दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये सिक्स था, ये क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स था दोस्तों, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा और देख लेता हूँ, यदि इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 27, देन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, तो साइन पर पावर फोर थीटा प्लस कॉस पर पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वाई।
तो ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा दोस्तों, तो साइन पर पावर फोर थीटा प्लस कॉस पर पावर फोर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस ऑफ टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसका वैल्यू जो होता है रूट 27 का स्क्वायर इंटू टू इंटू 12, तो ये 27 माइनस 24 ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों ये भी हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर ये 7 थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनाना कैसे है, ये सब क्वेश्चन वही फॉर्मूला है दोस्तों और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे समझ लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, होता ही नहीं होता है। इसी में दोस्तों कभी कभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रख लेता हूँ और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में माइनस टू ए बी कर देता हूँ, ये फॉर्मूला हो गया दोस्त, हुआ ही नहीं हुआ। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है दोस्तों, तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए कभी कभी इसको रूट कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कर देता हूँ, ठीक है। इसी पर सब फॉर्मूला है दोस्तों, ये अलजेब्रा अगर अच्छा से समझ गया तो ट्रिग्नोमेट्री तो 80% आपका इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा और चेक करता हूँ, चेक में ये करता हूँ दोस्तों कि इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 29 है देन एंड साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 है तो देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्त, कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, किस नज़र से देखते हैं दोस्तों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 29 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 4 है, तो देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ अलग नजरिया है कुछ, तो दोस्तों इसको खाली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज जानते हो, इसका रूट, इसका पावर हटाने के लिए उधर रूट करना पड़ता है दोस्त, नहीं तो रूट अंडर, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है रूट अंडर 29, ठीक है ना, ये रूट अच्छा नहीं लगता है, रूट में भी रहेगा दिक्कत नहीं है फिर भी अच्छा नहीं लगता है, और प्लस 2 इंटू 4, तो देखिए दोस्तों ये रूट में हो गया प्लस माइनस है, तो 829 प्लस 8 प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 17, 7, 2, 1, 3, 37, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आप ऐसे चीजों को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन सोल्व लेता हूं मैं, जैसे कि यहां पे देखिए कि लिखा है इफ साइन नहीं लेता हूं आपकी बात, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 28 देन या एंड सेक है ना, सेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 4 देन
sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू वाट। ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग यहां से उठाते हैं चीजों, ठीक है, जिसको फाइंड करना है उसको लिखिए। तो sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, तो कुछ ऐसा नजर आएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू sec थीटा इनटू tan थीटा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका रूट अंडर कर देते हैं दोस्तों, इसका वैल्यू क्या है, 28 प्लस 2 इनटू 4, तो प्लस माइनस है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 836, ठीक है ना, तो ये प्लस माइनस 6 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था दोस्तों, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लूंगा मैं आज, सब अलजेब्रा पर कंसेप्ट था दोस्तों आज का क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 14, देन sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, तो देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 14 होगा दोस्तों, होगा या नहीं होगा? तो इसको बचाने के लिए इसको कटा दूंगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 sec थीटा, इसको ऐड कर दिए तो दोस्तों, और यहां पे हो गया आपका रूट अंडर 14 1, या बात एक ही है, प्लस 1 बाय रूट अंडर 14, ठीक है दोस्त। तो आइए हम लोग चेक करता हूं, sec थीटा इज इक्वल टू 14 प्लस 1 बाय रूट अंडर 14 इनटू 2, ठीक है ना। तो यहां पे 2 को अभी बचा के रखता हूं, क्योंकि ये कारनामा करने के बाद हम लोग ये 15 रूट अंडर 14 बाय 14, ये 2 को ले आता हूं दोस्तों आप इनटू 2, तो यहां पे जब आंसर आएंगे दोस्तों फाइनली sec थीटा इज इक्वल टू 15 रूट अंडर 14 डिवाइडेड बाय 28, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, आज का क्लास यहीं तक।